Hello guys, welcome back to my channel. I am Simran. So these are the looks that I have created using the makeup products that I am going to share with you. And मैं भी आप लोगों की तरह बिगनर ही हूँ. मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ. एंड आई नो कि बिगनर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि यू नो जिनमें ज़्यादा टेक्निक्स नहीं हो, जिनमें ज़्यादा टूल्स नहीं हो, जो यूज़ करने में इजी हो, बजट फ्रेंडली हो, ताकि हम हिट एंड ट्रायल कर सकें एंड प्लस वो अपना रिजल्ट दें. वो सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं हो कि हाँ बजट में आ रहा है तो चलो ले लो. इट शुड बी समथिंग जो आपको रिजल्ट दे और वो एक लुक लेके आए जो हम डिज़ायर कर रहे हैं. सो यू विद फर्स्ट वेल्स टाइम लेट्स गो इनसाइड द वीडियो. एंड इस वीडियो के अंदर मैं जितने प्रोडक्ट्स मैंशन करूँगी दे ऑल आर अंडर ₹500 ऑलमोस्ट, लाइक एक आधा को छोड़ के. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स माई मोस्ट फेवरेट 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 फाउंडेशन. लाइक मैंने एस्टी लॉडर ट्राई कर लिया, मैंने मैक ट्राई कर लिया, बट उसके बाद में बार बार घूम फिर के इसी पे आ जाती हूँ, जिसे लैक्मे मूस फाउंडेशन. इसका जो लुक आता है इट इज़ सो नेचुरल. तो ये केकी लुक बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है. एंड सेकेंड, इसको अप्लाई करने में कोई टेक्निक नहीं चाहिए. आप जैसे सिंपल अपनी क्रीम लगाते हैं, आप बिल्कुल इसको वैसे अप्लाई करें. आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं, आपके बहुत सारे ब्लेमिशेज हैं, मार्क्स हैं, तो आप इसको बिल्डअप करके इसको अपना बेस बना सकते हैं. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन इज दैट इट कम्स इन अ ट्रायल पैक एंड फाउंडेशन जनरली एक्सपायर हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और हम उसकी डेट चेक भी नहीं करते हैं. सो इट्स बेटर टू गो फॉर ट्रायल वर्जन रदर देन अ फुल ट्यूब और बॉटल वर्जन. इज वेट इन वाइल्ड मेकअप पैलेट एंड आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितना यूज़ कर चुकी हूँ. एंड सबसे अच्छी बात इस मेकअप पैलेट की ये है कि इसके जो कलर्स हैं, इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो बिल्कुल अर्थी टोन्स हैं, बहुत ही सटल कलर हैं. लाइक आपको जैसे होता है ना कि नए नए हैं तो यार ये कलर कैसे यूज़ करें, वो कलर कैसे यूज़ करें, तो दिस इज़ मोर लाइक अ नो रिस्क कलर्स. आप कोई सा भी एक कलर या दो कलर लेके आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं, अपना लुक देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है. इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें पिंक टोन्स हैं, इसमें ब्राउन टोन्स हैं, इसमें टोन्स हैं, कुल मिला के इसमें न्यूट्रल टोन्स हैं. इसमें ग्लिटर भी है कि अगर आपको ग्लिटर वाला लुक ट्राई करना है तो 800 का है, बट ये ऑलमोस्ट डिस्काउंट में रहता है. लाइक अभी मैंने चेक किया तो इट वाज अराउंड ₹400. एंड देन इज द प्राइमर बाय वाइट एंड वाइल्ड. ये इज द ड्यूई ल्यूमिनेक्स बेस डिटेंट फेस प्राइमर. एंड इसका जो ये है, ये एक्चुअली थोड़ा फाउंडेशन वाला है ये. तो इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, बट जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हैं. एंड इस प्राइमर को आपको लगाना है फाउंडेशन से पहले. अब ये प्राइमर क्या करेगा, एज अ प्राइमर एक्ट करेगा. प्लस एक लुक आपने देखा होगा यहाँ पे, नहीं लोगों, आपको लगता है कि लोगों की स्किन, इट्स नॉट द ग्लो इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मेकअप, द ग्लो इज़ फ्रॉम विथ इन द स्किन. लाइक अंदर से ही स्किन चमक के निकल के आ रही है. एंड ये वाला प्राइमर जो है ये वो ग्लोई सा डूई सा आपको ये वो वाला लुक देता है. इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ग्लिटर वाले, पर वो इतने छोटे हैं कि उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं एंड वो एक नेचुरल ग्लो वाला लुक देते हैं. सो दिस वन इज ओके. देन इज दिस पैलेट बाय शुगर. दिस इज कॉन्टोर डे फोर्स सटल समिट पैलेट. आप कभी भी ब्लश का या फिर हाइलाइटर या जो भी कॉन्ट्रिंग किट ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी होती है कि उसका टेक्स्चर कैसा है. लाइक इसका टेक्स्चर बहुत वेलवेटी है एंड वेलवेटी टेक्सचर जो होता है या अच्छे जो टेक्सचर होते हैं उससे होता ये है कि जो एक लुक होता है ना, नेचुरल लुक या सटल लुक या बिल्कुल जो प्रोफेशनल मेकअप वाला लुक आता है वो इन टेक्सचर की वजह से आता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कलर यू आर यूजिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द गुड टेक्सचर, वो कैसे स्किन में ब्लेंड हो रहा है. तो इसका टेक्सचर आप देखेंगे तो इसका टेक्सचर काफ़ी वेलवेटी है. एंड इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी. कॉन्ट्रिंग मिलेगी इसके अंदर, आपको तीन चीज़ें मिलेंगी. कॉन्ट्रिंग के लिए ब्राउन शेड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं. फिर इसके बाद इसका ब्लशर है. जो ब्लशर है उसका पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लाइक आपको हमेशा बिल्डअप करना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बिगनर्स. बिकॉज बिगनर्स क्या करते हैं, फटाफट लिया, यूं किया और लगा लिया एंड समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज कि ज़्यादा ब्लश लग गया, उसको कैसे हटाना है. सो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे बिल्डअप करना स्टार्ट करो आप. एंड हाईलाइटर इज द जान ऑफ दिस कॉन्ट्रिंग किट, बिकॉज मैंने ये लिया ही हाईलाइटर की वजह से था. या दिस वन इज लाइक बिट एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ एवरी पेनी बिकॉज ऑफ इट्स टेक्स्चर. लाइक आपको बहुत सारे किट मिल जाएंगे मार्केट में, बट टेक्स्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड
बहुत लोगों को इसके ब्लशेज का इशू है बिकॉज इट इज़ नॉट हाईली पिगमेंटेड एंड बहुत आपको वर्क करना पड़ता है इसके पिगमेंटेशन के ऊपर. सो यू कैन इवन गो फॉर वेट एंड वाइल्ड ब्लशर. एंड देन इज माई ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन लैश सेंसेशन मस्कारा. लाइक मैंने मेबलिन की काफ़ी सारी मस्कारा ट्राई की एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ द ब्रश. इसमें कलर है तो ये क्या करता है, आइस को कर्ल भी करता है अपवर्ड्स एंड आंखें बिल्कुल अच्छे से पॉप अप होके खुल जाती हैं. एंड आप देख सकते हैं मेरे दोनों आइस में डिफरेंस, एक में यूज़ किया है एक में यूज़ नहीं किया है एंड कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है. एंड अब मैं दोनों में यूज़ करके दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा आता है इसको यूज़ करने के बाद. एंड देन आर द लिप शेड्स एंड आई जनरली प्रिफर लिक्विड लिपस्टिक या लिप क्रेयॉन. इसका रीज़न ये है कि मेरे लिप्स कोई भी लिपस्टिक टिकती नहीं है. लाइक मैं जब तक डेस्क तक पहुँचूँ उससे पहले ही मेरी लिपस्टिक पूरी उड़ जाती है, डब्बा गोल हो जाता है. लिक्विड लिप्स का प्रॉब्लम ये होती है कि वो लिप्स को काफ़ी ड्राई कर देते हैं एंड एक वो फील देते हैं कि जैसे ऐसे कुछ ना हमारे लिप्स पे कुछ ना आके बैठ गया है. सो वो फील भी नहीं चाहिए था एंड लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए थी एंड पिगमेंट्स भी अच्छे चाहिए थे. सो दो ब्रांड्स हैं दैट आई वुड सजेस्ट टू यू. वन इज पैक रेट्रो मैट लिपस्टिक एंड नायका लिपस्टिक. सो गाइस आई एम गोइंग टू शो यू माय फाइनल नो मेकअप बट मेकअप वाला लुक. सो गाइस इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच मेकअप वीडियोस फॉर बिगनर्स या इफ यू वांट मी टू रिव्यू एनी प्रोडक्ट्स देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड या दैट्स इट गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच वीडियोस. एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ द नेम ऑफ सिमरन मनवानी. यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो.